सत श्री अकाल दोस्तों, जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला ते तुहाडा स्वागत है। अज जिहड़ा आपां टॉपिक पढ़ना बच्चे वह है कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की थ्योरीज। उहदे विचों एक टॉपिक अज आपां जिहड़ा पढ़ांगे वह है जीन प्याजे की थ्योरी। ये टॉपिक सानू कई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो किया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिवें आपां टेट की गल करिए उस तो बिना NTA नैट पेपर 1 की गल करिए एजुकेशन के पेपर की गल करिए आज जी अपनी थ्यूरी है वह रहेगी प्याजेस थ्यूरी। प्याजेस थ्यूरी कि पार्ट है बच्चे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का पार्ट है। इस करके सानू पहला पता होना चाहिए भी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की है। आप ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की जो गल करते हैं ना उस बच्चे की अलग अलग तरह की डिवेलपमेंट की गल करते हैं, जिमें कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की गल करते हैं, सोशल डिवेलपमेंट की गल करते हैं, फिजिकल डिवेलपमेंट की गल करते हैं, मॉरल डिवेलपमेंट की गल करते हैं। वो अज जब एक पार्ट है वो स्टार्ट करना कि कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। कॉग्निटिव डिवेलपमेंट यानी कि बच्चे दी मेंटल स्किल्स, बच्चे दे आइडियाज, बच्चे दे थॉट वो किमें किमें डिवेलप होंगे उस प्रोसैस नूं, उस प्रक्रिया नूं आपां की कहने कॉग्निटिव डिवेलपमेंट कहने। कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के असी तीन थ्यूरीज आ जिहड़ियां मेन पढ़दे आ, उहनां विचों एक थ्यूरी आ प्याजे की थ्यूरी, दूसरी है बायगोस्टी की थ्यूरी, तो तीसरी है ब्रूनर की थ्यूरी। अज जी अपनी थ्यूरी रहेगी वह किसकी थ्यूरी रहेगी, प्याजे थ्यूरी रहेगी। प्याजे की थ्यूरी का दूसरा नेम है स्टेज थ्यूरी ऑफ कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। ये थ्यूरी किस बंदे ने दी, यानी कि किस परसन ने दी, वह नाम से जीन प्याजे। कदों दी 1936 के हूँ। प्याजे इस प्रोसैस के किमें आया, यानी कि इस फील्ड के किमें आया, प्याजे ने ना 1919 के दो परसन यानी कि एक बिने सी ते एक साइमन सी, इन्हां तो पहला जिन्होंने इंटैलीजेंस दे विच काम किया। तो प्याजे ने ना बिने की लबोरटरी दे विच यानी कि पैरिस दे विच काम करना स्टार्ट किया। कदों किया, उहदी लबोरटरी दे विच काम करना स्टार्ट, बच्चे याद रखना 1919। इन्होंने थोड़ा टाइम उहदे उपर काम किया, उत्थे यानी कि जिहड़ा IQ टैसट सी उहदे उपर की किया सी प्याजे ने काम किया सी। फिर बाद दे विच प्याजे इतों आ गया तो उन्हें अपनी वाइफ के नाल मिलकर काम करना की करता स्टार्ट करता। कदों स्टार्ट करता 1920 के, यानी कि उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कदों किया 1920 यानी कि 1920 के 1936 के अपनी की लिखती थ्यूरी लिखती। प्याजे ने थ्यूरी लिखने की खातर किन्ने साल लगे, 16 साल। यही नहीं है भी प्याजे रात को सुता पिया, सुते पे आमद आ गई, आमद आई भी हाँ प्याजे इस तरह लिख दे भाई, उन्हें इस तरह लिखता। प्याजे ने अपनी जी थ्यूरी के एक्सपैरीमेंट करने की खातर यानी कि प्रयोग करने की खातर किन्ने साल लगे सी बच्चे, 16 साल लगे सी। प्याजे ने जदों ये काम स्टार्ट किया सी तां जिहड़ा सब तो पहला डाटा लिया सी वह किहदे तो लिया सी, अपने बच्चों तो लिया सी। बाद दे विच उहने स्कूल दे बच्चों तो इंटरव्यू ऑब्जरवेशन स्टोरी टैलिंग मैथड दे नाल की लिया डाटा लिया, याद रखना उहने बाद पहला सब तो पहला जिहड़ा डाटा लिया सी वो अपने बच्चों तो लिया सी। बाद दे विच स्कूल दे बच्चों तो डाटा लिया, किस टेक्नीक दे थ्रू लिया, वो टेक्नीक सी ऑब्जरवेशन इंटरव्यू एंड स्टोरी टैलिंग मैथड के थ्रू उन्हें डाटा कलैक्ट किया। प्याजे का जिहड़ा जन्म होया वो कदों होया, 9 अगस्त 1896 नूं, ते बेचारा रब नूं प्यारा कदों हो गया, यानी कि डैथ कदों हो गई, 16 सितंबर 1980 नूं। प्याजे ने अपनी थ्यूरी दे विच जिहड़ा सब तो पहला शब्द बच्चे वरत्या वह की वरत्या सी, अडैप्टेशन यानी कि जिहनूं आपां की कहने आ एडजस्टमेंट। प्याजे कहिंदा बच्चे की जिहड़ी अडैप्टेशन आ यानी कि एडजस्टमेंट आ वह किहदे नाल होनी चाहीदी आ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट दे नाल होनी चाहीदी, किहड़े वातावरण दे नाल होनी चाहीदी आ, फिजिकल यानी कि जैविक वातावरण दे नाल होनी चाहीदी आ। ये क्वेश्चन आ जाता कई बार भी जीन प्याजे ने किहड़े एनवायरनमेंट की गल की आ भी बच्चे की एडजस्टमेंट की, तो जीन प्याजे ने किहड़े एनवायरनमेंट की गल की आ, फिजिकल एनवायरनमेंट की गल की है, जिमें कि बायगोस्टी ने किहड़े एनवायरनमेंट की गल की आ, सोशल एनवायरनमेंट की गल की आ। इस करके प्याजे ने की कहा सी बच्चे की जिहड़ी अडैप्टेशन आ यानी कि एडजस्टमेंट आ वह किहड़े एनवायरनमेंट के नाल होनी चाहिए आ, फिजिकल एनवायरनमेंट के नाल होनी चाहिए आ। कहने का मतलब यह है भी जो बच्चा अपने वातावरण के आएगा तो वह लोगों के नाल की करता गा, इंट्रैक्शन करता गा,
लोगों के नाल की करता इंट्रैक्शन करता यानी कि अंतर क्रिया करता। जिनी बच्चा लोगों के नाल की करेगा अंतर क्रिया करेगा यानी कि इंट्रैक्शन करेगा उन्नी बच्चे की डिवेलपमेंट की होएगी ज़्यादा होएगी तो बच्चे की जिहड़ी एडजस्टमेंट आ वह भी की होएगी ज़्यादा होएगी। तुसी आप दसो बच्चे जिन्ना तुसी अपने घर तो बाहर जाओगे अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के नाल इंट्रैक्शन करोगे सोनू पता चलेगा भी साढ़े एनवायरनमेंट के हो रहा तो वो बारे तहूँ की आएगी अवेयरनैस आएगी वो साड़ी डिवेलपमेंट की होएगी ज़्यादा होएगी तो जिदे साड़ी साड़े एनवायरनमेंट के एडजस्टमेंट भी की होएगी ज़्यादा होएगी। जे सानू सारा दिन एको कमरे के बंद रखा जाए उत्थी साडा सारा प्रबंध होवे साड़ी लोगों के नाल कोई इंट्रैक्शन ना होवे तां सानू पता नहीं चलेगा बच्चे भी साडे वातावरण दे विच की हो रहा साडे एनवायरनमेंट दे विच की हो रहा। तां फिर जे असी कई सालां बाद सानू बाहर कढ़िया जाऊगा तां साडी उस एनवायरनमेंट दे नाल प्रॉपर की आ जिहड़ी एडजस्टमेंट नहीं होएगी तो नहीं होएगी क्योंकि असी उस एनवायरनमेंट नूं प्रॉपर की नहीं किया लर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया क्योंकि साडी उस एनवायरनमेंट दे नाल की नहीं हुई इंट्रैक्शन नहीं हुई। साउथ दी इक मूवी आ बच्चे उहदा नाम आ कोम्बाली उहदे विच इक बंदा जिहड़ा है वह 19 साल कादे विच रहिंदा कोमा दे विच रहिंदा जदों 19 साल बाद वह कोमा तो बाहर निकलता उन्हूं कुछ नहीं पता होंदा भी उहदे पास्ट दे विच की होया ते की नहीं होया। 19 सालां दे विच जिहड़े इंडिया दे हालात आ उह चेंज हो चुके होंदे आ वह अपने दोस्त नूं कहिंदा जिहड़ा उस टाइम उहदा हुंदा भी यार मैनूं इह लगदा भी मैं इंडिया दे विच नहीं हैगा किसे होर कंट्री दे विच आ क्योंकि कल तां इंडिया इहो जिहा सी उहनूं तां इह लगदा सी 19 साल नहीं पता सी भी 19 साल मैं कोमा दे विच रहा उहनूं तां इह लगदा सी भी कल इंडिया इहो जिहा सी अज इंडिया किवें इस तरहां दा हो गया तां उहदी उस एनवायरनमेंट दे विच प्रॉपर की नहीं हुई सी यानी कि इंट्रैक्शन नहीं हुई सी तां करके वह प्रॉपर उत्थे की नहीं कर पाया एडजस्ट नहीं कर पाया। इस करके प्याजे दे अकॉर्डिंग बच्चे की जिनी उहदे फिजिकल एनवायरनमेंट दे विच की होएगी इंट्रैक्शन होएगी। बच्चा जिन्ना अपने फिजिकल एनवायरनमेंट नूं एक्टिवली की करेगा एक्सप्लोर करेगा उन्नी बच्चे की इंट्रैक्शन की होएगी यानी कि बच्चे की उन्नी डिवेलपमेंट की होएगी ज़्यादा होएगी यानी कि बच्चा जिन्ना एक्टिव होके अपने एनवायरनमेंट नूं की करेगा एक्सप्लोर करेगा। ये अगे जी देख लो प्याजे आ उस तो बाद फिर प्याजे ने टोटल जिहड़ियां अपनियां 30 बुक्स यानी कि पबलिश करवाइया उन्हां दे विचों एक मेन बुक है जानी कि जी है जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जी की आ जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी। उस तो बाद जे आप प्याजे की थ्योरी की गल करिए उन्हें काफ़ी ये सारा कुछ दसा जिंदी आप पढ़ लिया भी उन्हें किमें किमें गल की सारी अपनी थ्योरी के उस तो बाद जो थ्योरी के सब तो इंपॉर्टेंट शब्द है वह है जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी कि बच्चे जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये उपर क्वेश्चन भी आ जाता भी फादर ऑफ जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन आ तो कौन है बच्चे जीन प्याजिया ये तो नैट के पेपर के भी टैट के पेपर के भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी फादर ऑफ जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन आ तो वह कौन है बच्चे जीन प्याजिया। जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी का दूसरा नेम है डिवेलपमेंट थ्यूरी ऑफ नॉलेज। यदा मतलब की है भी बच्चे की जी नॉलेज है यानी कि बच्चे का जिहड़ा ज्ञान है तुसी आप दसो जदों तो आप जन्म लिया अज तक साडी नॉलेज विच वाधा होया कि नहीं होया साडी नॉलेज विच कुछ दा वाधा होया ना कुछ क्यों काफ़ी वाधा होया वह नॉलेज विच किवें वाधा होया वह नॉलेज किवें साडी वधी आ उस प्रोसैस नूं उस प्रक्रिया नूं आपां की कहने जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी कहने। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब की हुंदा बच्चे नॉलेज। जदों आपां फिलोसफी पढ़ते हैं तो फिलोसफी के जो एलीमेंट पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ते हैं मैटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एग्जोलॉजी यानी कि तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा मूल मीमांसा तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब की है नॉलेज यानी कि ज्ञान मीमांसा। बच्चे की जिहड़ी नॉलेज है वह क्वालिटेटिव नॉलेज किवें डिवेलप होंदी आ उस प्रोसैस नू उस प्रक्रिया नू आपां की कहने जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी कहने। वो कहिंदा बच्चा जिन्ना एक्शन करेगा यानी कि अपने एनवायरनमेंट नू जिन्ना एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा उन्नी बच्चे की डिवेलपमेंट की होएगी ज़्यादा होएगी उन्नी बच्चे की डिवेलपमेंट की होएगी ज़्यादा होएगी। ये गल नू ध्यान नाल सुनना यानी कि उन्नी कादी गल की जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी। फिर प्याजे ने जिहड़ी जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी है उन्हों टू पार्ट्स विच की किया बच्चे डिवाइड किया यानी कि प्याजे ने जनैटिक एपिस्टेमोलॉजी किन्ने पार्ट्स विच डिवाइड किया
टू पार्ट्स डिवाइड किया, एक है कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर तो दूसरा है कॉग्नेटिव फंक्शनिंग। याद रखना जी, पियाजी ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी नूं किन्ने पार्ट्स डिवाइड किया, दो पार्ट्स डिवाइड किया, एक कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर तो दूसरा है कॉग्नेटिव फंक्शनिंग। पहली गल करनी है कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर की, यानी कि बच्चे का जिहड़ा ज्ञान है, यानी कि बोधनात्मक है, ज्ञान की बनतर, यानी कि बच्चे का जिहड़ा ज्ञान है उसकी बनतर है जिहड़ी, वह किवें स्टार्ट होंदी है, यानी कि बच्चे का ज्ञान किवें स्टार्ट होंदा, बच्चे का ज्ञान किवें बनता। तो याद रखना बच्चे का जिहड़ा ज्ञान है वह बच्चे कित्थों मिलता गा, सब तो पहला यानी कि बच्चे की ज्ञान की बनतर कित्थों स्टार्ट होंदी है, बाय बर्थ, यानी कि बच्चे ज्ञान कित्थों मिलता, हैरीडिटी तो मिलता। याद रखना कितों मिलता, बाय बर्थ मिलता, जो बच्चा अपनी माता दे पेट दे विच हुंदा, यानी कि गर्भ अवस्था दे विच हुंदा, उतों ही बच्चे दे विच ज्ञान आना की हो जाता, स्टार्ट हो जाता। किवें किहड़ियां चीज़ां अनेट पार्स जिन्हां नूं आपां जमांदरू शक्तियां कहने, जिवें सकिंग हो गया, क्राइंग हो गया, लुकिंग हो गया, समाइलिंग हो गया, ये सारियां साडियां की ने अनेट पार्स ने जिहड़ियां बच्चे नूं कित्थों मिलदियां ने, बाय हैरीडिटी मिलदियां जां बाय बर्थ मिलदियां। तुसीं आप दसो जदों एक निक्का बच्चा जन्म लैंदा वह कई लोगों को देख के रोना स्टार्ट कर देता, कई देख के हसना स्टार्ट कर देता, हुण उहदी मम्मी थोड़ो कहती है भी चल 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 हुण आ गया, इहनू देख के हसना स्टार्ट कर दे, जां आ गया इहनू देख के रोना स्टार्ट कर दे। तुसीं बच्चे नूं कोई चीज़ फड़ाओ वह शक करना की कर देता, स्टार्ट कर देता। हुण आपां उहनू दस्सिया थोड़ो सी, यह सारियां जिहड़ियां अनेट पार्स ने यह बच्चे नूं कित्थों मिलियां ने, याद रखना जी, बच्चे नूं बाय हैरीडिटी यानी कि बाय बर्थ अपने पेरेंट्स के जीन्स के राही बच्चे नूं की ने यह मिलियां ने। हुण जिहड़ियां ये अनेट पार्स होंदियां ने, ठीक है ना, यानी कि जिहड़ी बच्चे विच उस टाइम नॉलेज हुंदी है उस नॉलेज नूं की कहने आपां स्कैमा कहने। ये स्कैमा टाइम टू टाइम की हुंदा रहिंदा, चेंज हुंदा रहिंदा, ये भी याद रखना जिहड़ा स्कैमा है ये स्कैमा टाइम टू टाइम की हुंदा रहिंदा, चेंज हुंदा रहिंदा। हुण ये भी एक क्वेश्चन है भी किहदी थ्यूरी दे विच जिहड़ा स्कैमा शब्द है वह वरत्या गया, तो किहदी थ्यूरी दे विच वरत्या गया, बच्चे प्याजे की थ्यूरी दे विच वरत्या गया। उस तो बाद ये जिहड़ी सानू अनेट पार्स मिलदियां यानी कि जमांदरू शक्तियां मिलदियां ने, ये किहड़ी मैंबरी आ, लोंग लास्ट मैंबरी आ, किहड़ी मैंबरी आ, लोंग लास्ट मैंबरी आ, यानी कि ये चीज़ां बच्चा कदे भी नहीं भुलदा। तुसीं आप देखो, तुसीं आप दसो जी, कदे रोना भुल्यो, कदे हसना भुल्यो, अज तक साडी लाइफ इन्नी बीत गई आ, उहदे विच होर किन्ना कुछ वापर गया वो असी भुल गए होवांगे, बट कदे रोना नहीं भुले तो कदे हसना नहीं भुले। तुसी आप दसो कदे सानू कदे किसी ने याद कराया भी चल चल ओए हुण रोण वाला काम आ चक दे फटे, चल 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 हुण हसन वाला काम आ चक दे फटे, ये तो नहीं होया कदे। ये चीज़ा साडे विच की ने, लोंग लास्ट मैंबरी ने, असी ये चीज़ा कदे भी की नहीं करते, नहीं भुलते। उस तो बाद जिहड़ा स्कैमा है यानी कि जिहड़ी लोंग लास्ट साडे कोल इनेट पार्स ने, ये साड़ी केड़ी मैंबरी ने, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज आ, यानी कि इतों साड़ी नॉलेज का की रखा जाता, नींह पत्थर रखा जाता, फिर हौली 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 साड़ी नॉलेज आ जी बदनी की हो जाती, स्टार्ट होती, यानी कि इतों साड़ी नॉलेज का एक बेस की हुंदा गा, स्टार्ट हुंदा, फिर उस तो बाद साडी नॉलेज अगे बदनी यानी कि इनक्रीज होनी की हो जाती आ, स्टार्ट हो जाती आ। आपां कादी गल कीती आ बच्चे, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की, यानी कि बच्चे के ज्ञान की बनतर की, यह ज्ञान की बनतर बच्चे की कितों स्टार्ट होंगी, बाय हैरीडिटी यानी कि बाय बर्थ, बच्चे नूं अपने पेरेंट्स के जीन्स यानी कि क्रोमोसोम्स के राही ये चीज़ा मिलदियां ने। ये किहड़ियां चीज़ा मिलदियां ने, उन्हां नूं आपां की कहने, अनेट पार्स यानी कि जमांदरू शक्तियां, जिन्हां दे विच आंदा सकिंग, क्राइंग, लुकिंग, समाइलिंग, ये सारिया चीज़ा आदि ने जी। ये जिहड़ियां साडियां अनेट पार्स होंदियां ने, ये साडी जिहड़ी नॉलेज हुंदी आ, इहनू आपां की कहने, स्कैमा कहने, की कहने बच्चे, स्कैमा कहने। तो उस तो बाद ये स्कैमा टाइम टू टाइम यानी कि जिहड़ी साडी नॉलेज आ उह की हुंदी रहिंदी आ, चेंज हुंदी रहिंदी आ। ये नॉलेज साडी की आ, लोंग लास्ट मैंबरी आ, लोंग लास्ट मैंबरी मीन जी परमानेंट मैंबरी आ, ये कदे भी की नहीं हुंदी, चेंज नहीं हुंदी। फिर उस तो बाद यानी कि असीं कदे भी नहीं भुलदे चीज़ा, अपने आप दसो कदे सकिंग करना, क्राइंग करना, लुकिंग, समाइलिंग, ये बच्चा कदे भी की नहीं करता, नहीं भुलता। फिर उस तो बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, ये साड़ी नॉलेज का की आ, बिल्डिंग ब्लॉक्स आ, यानी कि इतों साड़ी नॉलेज का जिहड़ा बेस आ तैयार हुंदा, इदू बाद साड़ी नॉलेज यानी कि ज्ञान अगे बदना की हो जाता, शुरू हो जाता। उस तो बाद फिर इन्हें अपनी थ्यूरी दे विच गल कीती कादी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग दी,
ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ? ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ? ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਰਤਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ, ਬਟ ਬੱਚਾ ਸਕੈਮਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਆਏ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਆਏ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੇਡਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਨਵਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਕੈਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਐਗਜਿਸਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਟੋਆਏ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਆਏ ਚੱਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੋਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸੀ ਟੋਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਵਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆਏ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ? ਖੇਡਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਆਏ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣਾ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ? ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ।
उन्हें बच्चे नू एक फोटो दिखाई, उस फोटो ते लिख यानी कि दिखाई, वो फोटो किदी सी कैमल दी सी। टीचर बच्चे नू कहंदा भी बच्चो इनू की कहंदे ने, कैमल कहंदे ने। तां टीचर ने फोटो भी दिखाती ते बच्चों नू याद कराता भी इनू की कहंदे ने, कैमल कहंदे ने। मेरी गल नू ध्यान नाल सुनियो, बच्चे ने फोटो देखी, फोटो देख के बच्चों नू पता लग गया भी इनू की कहंदे ने, कैमल कहंदे ने। अगले दिन जदों टीचर ने बच्चों नू पुछया भी दसो जी इनू की कहंदे ने, बच्चों ने नाल दे नाल दसता जी इनू की कहंदे ने, कैमल कहंदे ने। तो टीचर ने की कहा, हाँ जी तुहाडा आंसर की आ सही आ। तो बच्चे कादे विच ने, बैलेंस दे विच ने। बच्चे कादे विच ने, बैलेंस दे विच ने, यानी कि इक्विलिब्रियम दे विच ने। बच्चों ने उही नॉलेज वरती है जिहड़ी नॉलेज पहला बच्चों विच की करती सी, एग्जिस्ट करती सी। बच्चों ने उही नॉलेज वरती जिहड़ी पहला बच्चों दे विच की करती सी, एग्जिस्ट करती सी। तो आंसर बच्चों का की हो गया, सही हो गया, क्योंकि टीचर ने किहदी फोटो दिखाई सी, दुबारे कैमल की फोटो दिखाई सी। अगले दिन टीचर ने कंडीशन चेंज करती, कैमल की जगह पर टीचर ने बच्चों नू की दिखाता, जैबरा दिखाता। कैमल की जगह पर टीचर ने बच्चों नू की दिखाता, जैबरा दिखाता। अगले दिन टीचर आके कहिंदा भी दसो इनू की कहिंदे ने, बच्चे कहिंदे यार है तो कल वाले वर गई आ, भी है तो कल वाले वर गई आ, पर फिर भी थोड़ा जिहा फर्क आ, चलो अपना की जांदा आपां कह दिंदे भी कैमल कहिंदे ने। टीचर बच्चे कहिंदे जी इहनू कैमल कहिंदे ने। टीचर कहिंदा नहीं 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 नहीं, इहनू कैमल नहीं कहिंदे, तुहाडा आंसर की आ गलत आ। हुण जदों तुहाडा आंसर गलत हो गया तां बच्चा कादे विच चलिया गया, डिस इक्विलिब्रियम दे विच चलिया गया, क्योंकि बच्चे का की बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया। की बिगड़ गया जी, बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया। फिर टीचर उन्होंने कहता बच्चों नू, कहता भी इनू कैमल नहीं कहते जी, इनू की कहते हैं, जैबरा कहते हैं। ये नाल बच्चों की नॉलेज में की हो गया, वाधा हो गया। तो उस चीज़ को आप कहेंगे अकोमोडेशन कहेंगे। फिर एक बार ध्यान नाल सुनियो जी, आप प्रोसैस पढ़िया इस थ्यूरी का, पहली गल कादी कीती असिमिलेशन दी, दूजी गल कादी कीती इक्विलिब्रियम दी, तीजी गल कादी कीती न्यू कंडीशन दी, चौथी गल कादी कीती डिस इक्विलिब्रियम दी, फिर उदू बाद कादी गल कीती अकोमोडेशन दी। असिमिलेशन जिवें टीचर ने बच्चों नू पहले दिन की दिखाया सी, कैमल दिखाया सी। अगले दिन भी उन्हें बच्चों नू कहा दसो बच्चो इसनू की कहंदे ने, तां टीचर बच्चे कहंदे भी इसनू कैमल कहंदे ने। बच्चों के विच उही बच्चे ने नॉलेज वरती है जिहड़ी बच्चों कोले ऑलरेडी की सी, एग्जिस्ट सी, जिहड़ी बच्चों कोले ऑलरेडी मौजूद सी। तां बच्चों का आंसर की हो गया, सही हो गया, क्योंकि टीचर ने उन्हां नू बाकी की दिखाया सी, कैमल दिखाया सी। जदों बच्चों का आंसर सही है तां बच्चे कादे विच ने, बैलेंस दे विच ने, संतुलन दे विच ने, इक्विलिब्रियम दे विच ने। फिर टीचर ने नवीं कंडीशन दिखाई, हुण कंडीशन तां होगी न्यू जैबरा, बट बच्चों ने नॉलेज पहला वाले भी वरती। जो जैबरा देख के भी वो कहते भी है तो कल वाले वर्ग, कोई चक्कर वाली गल नहीं, अपना की जाता आप फिर कैमल कह दें। वो कहते जी इनू कैमल कहते हैं। टीचर कहता नो नो नो, इनू कैमल नहीं कहते, तुहाडा आंसर गलत आ। इस करके बच्चे कादे विच चले गए, डिस इक्विलिब्रियम दे विच चले गए। हुण उस डिस इक्विलिब्रियम तो बच्चों को कादे विच लैके आना, अकोमोडेशन दे विच लैके आना, यानी कि टीचर ने बच्चों की नॉलेज में वाधा किया भी इनू जी जैबरा कहते हैं। जदों उन्होंने पता लग गया भी इनू जैबरा कहते हैं, तो बच्चे दुबारे फिर कादे विच आ गए, बैलेंस दे विच आ गए। इत्थों तक आपां कीता जी, कल नू अगे आपां इस तों बाद इस दीआं की पढ़ांगे, प्याजे दीआं फोर स्टेजेस पढ़ांगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ।